आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेपाल टूर के बारे में। जी हाँ, कैसे जाएं, कब जाएं, बस में जाएं तो कितना खर्चा हो सकता है, कार से जाते हैं या बाइक से जाते हैं तो कितना खर्चा हो सकता है, या फिर परमिट लेने में क्या दिक्कतें आती हैं, कितना खर्चा परमिट में होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है परमिट लेते वक्त, और ट्रेन से कैसे जा सकते हैं, हवाई जहाज से कैसे जा सकते हैं, कितना किराया हवाई जहाज में लगेगा प्लेन से अगर आप जाते हैं, मोबाइल नेटवर्क की क्या व्यवस्था है वहां पर, एक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो कैसे अपने फोन को रखना है वहां पर चालू, ATM से पैसे निकाल सकते हैं या नहीं, कितना खर्चा हो सकता है, क्या पेनल्टी वहां पर लगती है, रुपये जो हम यहां पर लेके जाते हैं अपनी इंडियन करेंसी को नेपाल की करेंसी में कैसे चेंज किया जा सकता है, और कितना रुपये पे कितना नेपाली रुपये हमें मिलेंगे, वो सारी बातें इस वीडियो में बिल्कुल A to Z स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलेंगे, और यहां से नेपाल तक की पूरी जर्नी आपको बताएंगे कि आप कैसे पहुंच सकते हैं, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, कार से, बाइक से, जैसे भी आप जाना चाहें, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। देखिए, अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो दिल्ली को मैं बेसिकली फोकस करके चलता हूं। दिल्ली से अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो DTC की बस आपको दिल्ली से अवेलेबल हो जाएंगी, डॉक्टर अम्बेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल से। जी हाँ, यहाँ से बस चलती है सीधा काठमांडू तक, और बस का जो समय है करीब रहता है सुबह को 10 बजे। दिल्ली से काठमांडू तक पहुंचने में इनको करीब लगता है 27 से 30 घंटे तक बस को लग जाता है। अगर टिकट की बात करें बस के, तो बस के टिकट करीब रहेगा 2300 रुपये पर पैसेंजर। AC वॉल्वो बस है, बट सीटिंग है, स्लीपर व्यवस्था इस बस में नहीं मिलेगी आपको, और 27 से 30 घंटे के बीच में ये आपको काठमांडू पहुंचा देंगे। और इसमें 5 साल से तक के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगता है, बट उनको स्पेशल कोई सीट भी नहीं दी जाएगी। बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको 60 दिन पहले तक आप बुकिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो उनकी वेबसाइट है www.dtcbooking.in पर आपको जाना होगा, डायरेक्ट आप यहां से ऑनलाइन बुकिंग भी बस की कर सकते हैं किसी भी दिन की। इसके बाद इसमें जो आइडेंटिटी आपसे मांगी जाएगी, आप कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड जैसा, या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आप आईडी इसमें अपनी अटैच कर सकते हैं। और जर्नी टाइम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, और भारत के दूसरे जो शहर हैं जैसे कोलकाता, मुंबई से भी डायरेक्ट आपको, बड़े बड़े शहरों से भी डायरेक्ट आपको काठमांडू के लिए बस मिल जाएगी। कुछ इसके अलावा कुछ निजी बस भी चलते हैं जिनके किराया कुछ कम रहता है, बट उनको की कोई भी ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल नहीं है। अगर ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो आपको DTC की बस मिल पाएंगे और उन्हीं से आपको जाना पड़ेगा, जिसका किराया रहेगा 2300 रुपये पर पैसेंजर। अगर आप कार या बाइक से जाते हैं तो देखिए, इस पे आपको बॉर्डर पर लेना होगा परमिट। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाइक से जाइए, बट बाइक से जाते वक्त आपको कुछ चीज़ें आप ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले आपको लेना होगा वहाँ पर परमिट बॉर्डर पर, और परमिट की अगर हम बात करें तो पर डे बाइक वालों का करीब 100 से 120 रुपये तक चार्ज करते हैं। मान लीजिए आप 4 दिन के लिए नेपाल में टूर प्लान कर रहे हैं तो आप 1 दिन एक्स्ट्रा ही लेकर चलिए, 5 दिन का परमिट लेके जाइएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो समय हमें दिया जाता है उस समय वापस नहीं आ पाते हैं। ये जो परमिट होता है एक तरह से ऐसे काम करता है कि जैसे वीजा काम करता है, क्योंकि नेपाल में पासपोर्ट वीजा तो जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको परमिट लेना पड़ता है अगर आप पर्सनल गाड़ी से जाते हैं तो। 100 से 120 रुपये चार्ज करेंगे बाइक वालों से और आपको 1 दिन का परमिट मिल जाएगा। तो जितने दिन की आपकी जर्नी है उतने दिन का आपको परमिट लेना होगा, बट 1 दिन फिर भी एक्स्ट्रा आप लेकर चलिए ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप निर्धारित समय से ज़्यादा अगर हो जाता है तो आपको 2200 रुपये का चालान देना पड़ सकता है, तो इसलिए 1 दिन एक्स्ट्रा ही ले जाना आपके लिए बेहतर होगा। उसके अलावा अगर आप बाइक से जाते हैं तो बाइक को पूरी तरह से मेंटेन रखिए, और सारे उसके डॉक्यूमेंट जो भी कागजात होते हैं सारे आपको रखने पड़ेंगे प्रॉपर तरीके से अपडेटेड। और इसके अलावा बाइक भी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, उसके साइड मिरर वगैरह सब होना चाहिए, वरना उस पर भी आपको 2000 तक का या 2200 तक का चालान भुगतना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है नेपाल की पुलिस, और स्पेशली जो इंडियन आते हैं नेपाल बाइक से तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल रखते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लेन से जाना चाहते हैं तो प्लेन से भी जा सकते हैं। प्लेन की अगर हम बात करें तो फ्लाइट आपको दिल्ली से डायरेक्ट मिल जाएगी काठमांडू के लिए, जो 1.5 घंटे में करीब आपको काठमांडू पहुंचा देंगे, जिसका किराया की अगर हम बात करें तो 5000 से 6000 के बीच पर पैसेंजर वहां पर टिकट रहने वाला है। देखिए, समस्या जो होती है इसमें, समस्या सबसे बड़ी समस्या आती है बस में, 30 घंटे की जर्नी होती है, और 30 घंटे कंटिन्यू एक सीट पर बैठे रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। तो इसमें क्योंकि स्लीपर बस की व्यवस्था इसमें नहीं है, कार से परमिट लेना पड़ता है, और परमिट में कार के परमिट की अगर हम बात करें तो 400 रुपये
पर डे का परमिट बैठता है, तो अगर चार दिन आप रुक जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना परमिट चार्ज ही आपका होने वाला है। उसके अलावा कुछ एक दिन एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे तो परमिट की फीस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अगर निर्धारित समय में आप वापस नहीं आ पाए तो उसके लिए आपको चालान देना पड़ सकता है, जो 2000 से 5000 के बीच रहता है कार वालों के लिए। इसके अलावा प्लेन सबसे कंफर्टेबल है, बट प्लेन सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, सबसे सस्ता और सबसे आसान वो रहता है बाय ट्रेन। बाय ट्रेन भी आप नेपाल पहुंच सकते हैं, काफी सस्ता तरीका बैठता है। देखिए, ट्रेन से अगर आप काठमांडू नेपाल पहुंच जाना चाहते हैं तो आपको दो बॉर्डर मिलते हैं, दो तरीके से आप नेपाल पहुंच सकते हैं, एक वाया रक्सोल जो बिहार में स्थित है, और दूसरा गोरखपुर से यूपी से सोनौली होते हुए। पहले मैं बताऊंगा आपको बिहार बॉर्डर के बारे में। जी हाँ, रक्सोल से अगर आप जाना चाहते हो तो दिल्ली से रक्सोल के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाएंगी, और दिल्ली से रक्सोल की जो ट्रेन के चार्जेस हैं स्लीपर में रहेंगे करीब 450 रुपये। सेकंड थर्ड एसी की बात करें तो रहता है वहाँ पर चार्ज 1225, और सेकंड एसी में रहता है 1775, और फर्स्ट एसी में रहेगा 3020 रुपये। इतने में आप दिल्ली से रक्सोल आराम से पहुँच जाएंगे कम्फर्टेबल जोन में। इसके बाद अगर रक्सोल से नेपाल की बात करें तो रक्सोल से नेपाल के जो बीच की दूरी है वो रहती है करीब, बॉर्डर की अगर मैं बताऊं, रक्सोल से नेपाल बॉर्डर के बीच की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है, बट वहाँ से आगे आपको जाना होगा वीरगंज तक। वीरगंज और रक्सोल रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी रहती है करीब 6 से 7 किलोमीटर, करीब 8-10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ये रहती है। वहाँ तक आपको ऑटो वगैरह रिक्शा वगैरह इजीली मिल जाएंगे जिनके चार्जेस रहेंगे 50 से 60 रुपये। तो आप ऐसे में नेपाल तक तो एंट्री कर गए, वीरगंज पहुँचने के बाद आप नेपाल में एंटर हो चुके हैं, किसी भी तरह की कोई परमिट वगैरह की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी पड़ेगी, आपके पास जो रुपए रहेंगे वो रहेंगे इंडियन करेंसी यानी भारतीय रुपया। भारतीय रुपया भी नेपाल में चल जाता है, बट अगर आपके पास 500 या 2000 के नोट हैं या फिर 200 का नोट है तो वो नेपाल में नहीं चलता है। तो ऐसे में या तो आप सारी करेंसी अपनी इंडियन करेंसी 100-100 रुपये या उससे छोटे नोट ही लेकर जाइए, वो तो नेपाल में चल जाएंगे, बट अगर आपके पास 200 या 500 या 2000 का नोट है तो वो वहाँ नहीं चलेगा। ऐसे में अगर आप उसको एक्सचेंज कराना चाहते हैं नेपाल करेंसी में तो बॉर्डर पर आपको काफ़ी सारी शॉप ऐसी मिल जाएंगी जो इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करती है नेपाल करेंसी। आप बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं या किसी भी साधन से जाते हैं तो आपको ये तो काम करना ही पड़ेगा बॉर्डर पर, और अगर प्लेन से जाते हैं तो एयरपोर्ट पर आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी, आप करेंसी अपनी कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी नेपाली रुपये में। कितना कितना कन्वर्जन रेट है, कैसे कैसे होता है वो बताता हूँ। देखिए, अगर आप 100 रुपये कन्वर्ट कराते हैं, भारतीय 100 रुपये को कन्वर्ट कराते हैं तो आपको उसके बदले में 160 रुपये नेपाली रुपये मिल जाते हैं, 160 नेपाली रुपये मिल जाते हैं, तो काफ़ी सस्ता वो हो जाता है। तो जितने भी आप कराना चाहें 4-5 हज़ार रुपये कम से कम आप करा लीजिए कन्वर्ट, और घूम के आने के बाद, नेपाल में घूम के आने के बाद वापस आते वक्त आप वापस से उस नेपाली करेंसी को इंडियन रुपीज़ में उसी शॉप पर कन्वर्ट करा सकते हैं, जिसका कुछ मिनिमम चार्ज आपसे लिया जाएगा और वो आपको वापस भारतीय रुपये में कन्वर्ट करके आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। तो ठीक है, अब आप वीरगंज नेपाल में तो पहुंच ही गए थे ट्रेन से, और वहां से काठमांडू के बीच की दूरी रहती है करीब 275 किलोमीटर। 275 किलोमीटर के लिए आपको बस मिल जाती है जिसमें नॉन एसी और एसी दोनों ही तरह की बस अवेलेबल है। नॉन एसी बस में रहेगा चार्ज 600 रुपये और एसी बस में चार्ज रहेगा 1050 रुपये। 8 से 10 घंटे में वो वीरगंज से काठमांडू तक आपको पहुंचा देंगे। काठमांडू पहुंचने के लिए एक दूसरा तरीका है टाटा सुमो, जो करीब 500 से 600 रुपये चार्ज करते हैं पर पैसेंजर, और वो 5 से 6 घंटे में आपको काठमांडू पहुंचा देंगे। ये था रास्ता रक्सोल से जाने का। अगर आप गोरखपुर से जाना चाहते हैं तो गोरखपुर से आप दिल्ली से गोरखपुर किसी भी ट्रेन से आ सकते हैं, जिसमें स्लीपर चार्ज रहता है 380 रुपये, थर्ड एसी 1040, सेकंड एसी 1500 रुपये का टिकट है, और फर्स्ट एसी में 2585 रुपये का टिकट लेना होगा। गोरखपुर पहुंचने के बाद आपको जाना होगा सोनाली बॉर्डर, जो नेपाल बॉर्डर कहलाता है। वहां तक की दूरी करीब करीब गोरखपुर से है 3 से 4 घंटे का रास्ता लगता है, और सोनाली से पहले एक दूसरा स्टेशन है नौतनवा, नौतनवा तक आपको जाना होगा। बस से अगर आप जाते हैं तो 120 रुपये का टिकट बनेगा बस में, अगर ट्रेन से आप जाते हैं तो पैसेंजर ट्रेन मिलेगी और 40 रुपये का टिकट आपका बनेगा, और 3 घंटे में वो आपको नौतनवा रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर देंगे। नौतनवा से सोनाली आपको आना होगा, जो करीब 7 किलोमीटर का रन आपका रहेगा, और वहाँ पर आपको चार्जेस लिए जाएंगे 50 रुपये पर पैसेंजर। ऑटो वगैरह आपके बहुत वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे और आप सोनाली बॉर्डर पहुँच जाएंगे। बॉर्डर पर जाने के बाद आपको वही सब करना है, आपकी करेंसी को कन्वर्ट करना होगा, बहुत ज़रूरी है, और अपना आधार कार्ड अपने साथ हमेशा रखिएगा। और इसके बाद सोनाली से आपको जाना होगा भैरवा, भैरवा नेपाल में है, और नेपाल वहाँ तक के बीच की दूरी रहती है 3 किलोमीटर, वहाँ तक भी आपको ऑटो वगैरह आसानी से मिल जाएंगे। भैरवा से मेन जो काठमांडू आप जाना चाहते हैं
हैं उसकी दूरी रहती है 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर के लिए आपको यहाँ पर नॉन एसी बस और एसी दोनों ही बस मिल जाएंगी। नॉन एसी में रहेगा चार्ज 500 रुपए और एसी बस में रहेगा 800 रुपए। तो ये था ट्रेन का रास्ता। जो भी ट्रेन आपको सूट करे, रक्सौल से आप आ सकते हैं या फिर गोरखपुर से भी आप नेपाल तक पहुंच सकते हैं। जो भी आपको सही लगे वो रास्ता आप चुनाव कर लीजिए। तो ये था तरीका नेपाल पहुंचने का। इसके अलावा कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। मोबाइल नेटवर्क की बात करते हो, जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आपका सिम ऑटोमेटिकली आपका इंडियन सिम बंद हो जाएगा। तो बॉर्डर पर आपको फैसिलिटी मिल जाती है नेपाली सिम खरीदने की। 200 रुपए का कोई सिम देंगे, 200 रुपए का सिम होगा वो एक्टिव होगा। इसके अलावा आप जो भी बैलेंस उसमें डलाना चाहते हैं वो भी वहां पर आप इजीली डलवा सकते हैं। और उसके अलावा कोई नेट इंटरनेट से रिलेटेड कोई पैकअप रिचार्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड ही देना होगा। और इसके अलावा एटीएम की अगर फैसिलिटी की बात करें तो एटीएम भी वहां पर अवेलेबल हैं, बट अगर आपका एटीएम वीजा कार्ड है तो वो वर्क कर पाएगा। और आपके बैंक को जो एटीएम है वो इंटरनेशनली वैलिड है या नहीं वो डिपेंड करता है आपके एटीएम पर। आप बैंक अपने बैंक में जाकर कंफर्म कर सकते हैं। और ट्रांजेक्शन के चार्जेस की बात करें तो जो भी आप ट्रांजेक्शन वहां पे करेंगे उसमें 150 से 200 रुपए पर ट्रांजेक्शन, मतलब एक बार इंसर्ट अगर आपने एटीएम में अपना कार्ड डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, तो आपका 150 से 200 रुपए तो कंफर्म कटने ही कटने हैं। आप कितना भी चार्ज है, 500 रुपए निकाले या 1000 रुपए निकाले, आपका पैसा कट जाएगा। अगर आप एटीएम में पैसा निकालते वक्त 10000 रुपए विड्रॉ करते हैं तो 10000 नेपाली रुपए आपको मिल जाएंगे, बट आपके बैंक बैलेंस से 6000 रुपए कट होंगे, क्योंकि करेंसी का फर्क है इंडिया और नेपाली करेंसी का। इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में नेपाली करेंसी काफ़ी सस्ती है। तो मैंने सारी बातें इस वीडियो में आपको क्लियर कर दी हैं कि कैसे आप जा सकते हैं। अब चुनाव आपको करना है कि आप बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, फ्लाइट से जाएं या फिर बाइक या कार से जाएं। सारी बातों को ध्यान रखिएगा। अगर जाने का प्लान बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख कर जाइएगा और कई बार देखिए, सारी बातें क्लियर इसमें आपको हो जाएंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप नेपाल पहुंचने के बाद कहां कहां घूमने जा सकते हैं और कैसे कैसे कितना खर्चा कहां होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।